एवरीबॉडी वेलकम बैक टू अ चैनल। मैं हूँ नेहा, कैसे हो आप सब। जो आज हम देखने जा रहे हैं, बुरा ना मानो, होली है भाई, सम्राट की पाठशाला। तो सम्राट की पाठशाला के चैनल पे आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम वीडियो आया है। यस, आई गेस एक मंथ नहीं, इनके तो हमने आई गेस न्यू ईयर पे देखा था वीडियो में, नहीं शायद, यस है ना। मुझे भी याद नहीं आ रहा। सो लेट्स सी हाउ ये होली, बुरा ना मानो होली वीडियो भाई सम्राट की पाठशाला इज गोइंग टू बी। चलिए देखते हैं। हैप्पी होली गाइस। हैप्पी होली। आज नंदलाल पे गुलाल बरसत है। तो क्या हाल है, स्वागत है आपका हमारे एक और राम चंडू स्टैप की वीडियो में। और आज हम बात करेंगे होली की, सॉरी सोशल मीडिया वाली होली की। रंग बता, समझ रहे हो ना यहाँ पे क्या हो रहा है। अब दीदी ना अपने बाल को ऐसे ऐसे पीछे करेंगी, उसके बाद रील बनाएंगी और वायरल हो जाएंगी, और तुम और हम यहाँ बैठ कर झुंझुना हिलाएंगे। अबे लड़कियों का सिस्टम है ना एकदम ठीक चल रहा है, दिक्कत आती है लौंडो के साथ। अबे वो वायरल होने के लिए क्या करें भाई। एक बार सच सच बोलूं, तू कतई इच्छाधारी छिंदरा लग रहा भाई। भाई बंद कर दे, मैं बता रहा हूँ तेरी होली वाली लोगाई ने अगर तेरी वीडियो देख ली ना, वो तेरे से कतई शादी नहीं करेगी। फिर पूछते रहे ना चोली के पीछे क्या है, चोली के पीछे तेरी दादी माँ। खैर जब बात होली की हो ही रही है तो होली की वीडियो ना इस क्लिप के बिना अधूरी है भाई साहब। ये पूरा जो है मंजर है, और ये फिर ये ग्रुप निकलेगा मोटरसाइकिल, चेहरा देखो ये नजारा जो है भाई साहब। आंधी आ जाए तूफान आ जाए, लेकिन होली की ये जो लेजेंडरी क्लिप है ना, ये हमेशा टॉप पे रहेगी। एक एक करके और फिर बहुत। यहाँ रिपोर्टर भाई साहब आशीर्वाद देते रह गए, वहाँ बाइक वाला आके इनका गेम बजा के चला गया। अबे ये तो बढ़िया था कि कैमरा ऑन था, इसी वजह से हमारा रिपोर्टर चचा तमीज के दायरे में रह गए। लेकिन जैसे ही ये गिरे हैं ना, इनके अंडकोशे से पे की आवाज आ रही होगी। मायके चोर, मामो तेरा बहन के महावीर वाला, तेरा मैया के वाला। पैसा आदमी से पता नहीं क्या क्या काम करवा लेता है। अब तुम मेरा ही एग्जांपल ले लो, जब भी मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो भाई साहब एक कमेंट है जो सबसे ज्यादा आता है कि सम्राट भाई तो बिना स्पॉन्सरशिप के वीडियो नहीं डालते। और जब बिना स्पॉन्सरशिप के वीडियो डाल दो, आजकल मैं जब भी इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ ना, तो मेरा जो इंस्टाग्राम का फीड है वो कते रंग बिरंगा हो रखा भाई साहब। मतलब अभी होली आई नहीं है और ऐसा लगता है कि पूरा देश होली खेल लिया भाई साहब। मतलब तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं अपना इंस्टाग्राम खोलूं तो मुझे सिर्फ सुंदर सुंदर लड़कियों के दर्शन हो, जैसे कि ये होली खेल रहे बांके बिहारी आज रंग बरस रहा, या फिर ये रंगी है कब से राधा। ओके पर इंस्टाग्राम में दिखा क्या रहा। हैप्पी होली एडवांस में, हैप्पी होली। नहीं यार नहीं चाहिए। मतलब ये लौंडा किस लेवल का जहरी है तुम्हें पता है। इस इच्छाधारी बहन के लोमड़े ने कितने लोगों का दिमाग चाटा होगा तुम्हें पता है। सबसे पहले तो उसका जिससे बाल कटवाए, फिर उसका जिससे ये वीडियो बनवा रहा है, और तीसरा अब ये हम लोगों का दिमाग चाट रहा है। भाई मैं कतई नहीं देखना चाहूंगा इसकी वीडियो। हैप्पी होली हो, दुनिया हाथ पैरों पर टैटू बनवाती है, ये खोपड़ी पे हैप्पी होली लिखवाया है। और पता नहीं क्यों इंस्टाग्राम बार बार हमको इस टाइप की वीडियो दिखाता है। तरफ से आपको दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ हाँ हैप्पी दिवाली ही तो है ये। अबे गर्दुल्ले इतनी भी मत पियो कि तुम साले रात दिन का फर्क भूल जाओ। नहीं, जैसे कि आपको पता ही होगा आजादी के इस अवसर पर हमें इस रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से खुशी से मनाना चाहिए। और घरों में दीपक जलाकर लाल दुलाल लगाकर होली मनानी चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन गांधी जी ने रावण का वध करके महाभारत का युद्ध जिताकर अमेरिका को आजाद कराया था। समझ रहे हो ना तुम, गांधी जी ने रावण को मार के महाभारत का युद्ध जीता और अमेरिका को आजाद कराया। मतलब कितनी गहरी बात बोल रहा है तो भाई साहब। ये जो भी माल फूक रहा है ना, ये दुनिया के हाथ लगनी जाना चाहिए। मैं बता रहा हूँ ये तो फिर भी झेल गया, वरना दुनिया ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाएगी। इस भाई की तो दुनिया हिली पड़ी है भाई साहब। पर क्या लड़कियां भी भंट होती है होली पर, इसका जवाब है हाँ। मजे लेने में कोई पीछे थोड़ी रहता है। अभी तो डांस करके माहौल बनाया जा रहा है, कुछ देर बाद इनकी हालत ऐसी हो जाएगी। बताओ बिना रहते के तो काम नहीं चल रहा है यहाँ पे। खैर बात जब होली की हो ही रही है तो दोनों का होली खेलने का स्टाइल है ना सेम भी है और डिफरेंट भी है। लड़कियां ना होली प्यार से खेलती हैं, दिखता है कि होली खेली गई है। यस हम ऐसे ही खेलते, और कैसे खेलना होता है।
मतलब लड़की लड़की के साथ होली खेलने के बाद कुछ इस तरह से दिखती है। पर वही लड़की अगर लौंडों के साथ होली खेले तो भाई साहब मैं लिख के देता हूँ उसके साथ पुश्ते भी उसको ना पहचान पाए। घर वाले ना पहचान पाएंगे भाई साहब। मैं पहले बता रहा हूँ लड़की अगर लौंडों के हत्थे चढ़ गई तो वो उसे नीली ततैया बना के छोड़ते हैं। जब ये बदला लेने पे आएगी ना बेटा भगते फिरोगे। लौंडे नहीं छोड़ते भाई साहब, वो तुम्हें जब तक उठा के कीचड़ में ना पटक के खेत ना जोत दे जोत, हाँ सही बोल रहा हूँ, तब तक उनका पेट नहीं भरता है। Are you serious? कीचड़ में? तुम चाहे नहा धो के बैठ गई हूँ वो आएंगे और तुमको पोत के जाएंगे। आ गया स्वाद। कहीं लौंडे लड़के को कढ़ाई में डाल रहे हैं। कहीं ड्रम में पटक रहे हैं। ये साले मर्द होते ही ऐसे हैं। बता लड़कियों को खिलौना बना के पटक रखा है। अबे सुतरी के तू भी मर्द है। अच्छा हाँ मर्द तो अच्छे होते हैं एकदम शांत सुशील एकदम मेरी तरह। कभी देखा उनको जड्डे करते हुए? कभी नहीं देखा। मैंने भी नहीं देखा। देखो कितने प्यार से रंग लगा रहा है भाई। आज मेरी टिकटॉक की सारी क्लिप काम आ जाएंगी। बता कितने साल से बचा के रख रखी थी मैंने। यूज करूंगा। जिस हिसाब से भाई रंग लगा रहा है ना इसको प्यार ही माना जाएगा। क्योंकि यही लौंडा अगर किसी लौंडे के साथ होली खेलेगा ना उसके बाद ही अपना रौद्र रूप दिखाते हैं। मतलब ये कोई बात है? लौंडे को उठा के नाले में पटक दिया? मतलब जिस हिसाब की हरकत यहाँ हुई है ना उस हिसाब से देखा जाए तो लौंडे लड़कियों के साथ तो प्यार से ही होली खेलते हैं। उनकी हाइजीन का ख्याल रखते उनको मंजन कराते हैं। मंजन कराना बहुत जरूरी है बाबू। अगर आपने होली पे मंजन नहीं कराया होली अधूरी है। बात सही है। दूसरी तरफ पोछा लगवाया जा रहा है। ये पोछा लड़की की तरह क्यों लग रहा है? वो अच्छा लड़की ही है। बताओ इतनी सारी अच्छाई के बाद में अगर कोई लड़का लड़की से पूछता है ना कि क्या तुम मेरे साथ होली खेलोगी तो उनका जवाब कुछ ऐसा रहता है। क्या तुम मेरे साथ होली खेलोगी? मैं तो तुम्हारी जिंदगी से खेल गई, ये होली क्या चीज है? बताओ ये सिला मिलता लोगों को प्यार का? तभी तो लौंडे खूंखार हो जाते हैं होली के दिन। अरे रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे। और होली के दिन लौंडे ना किसी के सगे नहीं होते चाहे वो जवान हो या फिर बुढ़ा। हे प्रभु हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण ये क्या हुआ? बताओ बुढ़ापे में जो आदमी मरने के बाद गंगा में प्रवाहित होने के सपने देख रहा था उसे आज की युवा पीढ़ी नाले में कुदाया। तभी तो गांव के बुड्ढे खूंखार है भाई साहब, वो गाली देने में जरा भी नहीं हिचकिचाते। मामो तेरा बहन के महावीर बाबूला तेरा मैया के बहनों लगर तेरा बेटी पीढ़ी कुलंडियों से भरी पड़ी है। बात सही है। इधर जबरदस्ती लौंडे के चड्डी में रंग भर रहे हैं। अबे उसके चड्डी में नहीं उसके जीवन में रंग भरो गुजरो के। क्या फायदा सुबह उठ के लौंडा सात रंग की टट्टी करे? सतरंगी टट्टी? क्या बात कर रहे? इस होली ना लोग दो गुट में बट गए। पहले वो जिनके पास गर्लफ्रेंड है वो ऐसी बकैती करते फिर रहे हैं। वो तो कैमरा ऑन है इसी वजह से साला गाल पर रंग लगा रहा है। नहीं तो वरना ये चिरांडू अपनी उंगलियों के घोड़ों को ही और दौड़ा रहा होता। बात तो सही है। हाँ ये कर लो पहले, बड़े लोग हैं पहले ऐसे करते होंगे। दूसरे वो लोग जो लड़की की रूह को टच करके उसकी बिल्ली के साथ खेलना चाहते हैं। भर गई भैया मांग भर गई। और तीसरे वो लोग जिनके पास तवा तो है लेकिन वो उस पर रोटी नहीं सेक पा रहे हैं दूर होने की वजह से। पर होली तो वो भी खेलेंगे ना। मुखड़े पे रंग लगाए पड़ा रंग नीला सांवरिया। क्या बात है सर, क्या बात है सर। अरे यार ये लॉन्ग डिस्टेंस होली। दुनिया ने कितनी तरक्की कर ली है, लोग वीडियो कॉल पे होली खेल और भैया खेल भी सकते हैं। दुनिया वीडियो कॉल पे सुहागरात बना लेती है, होली क्या चीज है। पर जिनके पास कोई नहीं है वो क्या करे? मैं सेम टू सेम। और मैं तो क्या, मैं भी क्या एक करूं, मैं भी आती हूं, मैं भी
ये वही लोंडे भाई साहब जो पूरी जिंदगी इंतजार करते हैं कि माँ बाप शादी कराएंगे और माँ बाप बड़े होकर ये बोल देते हैं कि बेटा तुम अपने आप ढूंढ लो। इनका दोनों तरफ से कटता है, पर वास्तविकता तो ये है कि अगर ये खुद ढूंढ सकता है तो अकेले बैठ कर होली थोड़ी खेल रहा होता। बात तो सही है, बाकी कुछ लोग मजे के लिए होली खेलते हैं। किसी दोगले इंसान के साथ एंजॉय करने से अच्छा अंकल हमारे किसी भरोसेमंद जानवर के साथ एंजॉय कर रहे हैं। गुड चचा गुड। और कुछ लोग दिखावे के लिए चंद लाइक्स के लिए होली खेलते हैं। वाओ व्हाट अ लेस्बियन एक्ट। अब इससे ज्यादा कुछ बोला तो विवाद हो जाएगा। ये लड़कियां सोच रही होंगी कि ये कितनी कूल लग रही हैं, पर इनको नहीं पता कि जितने लोग यहाँ बैठे सब इनकी अम्मा बहन को याद कर रहे हैं। बस अब मेट्रो में नंगा होना ही रह गया, कुछ दिन बाद लोग लाइक्स पाने के लिए वो भी कर डालेंगे। सरकार कोई जल्दी से नियम बना दे, वरना ये लोग भाई साहब ट्रेन मेट्रो बस स्टैंड रेलवे स्टेशन जहाँ जगह मिलेगी ना हर जगह ऐसे ही हंसते फिरेंगे। राम निकला रे, देव मानुष निकला। बाकी आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक मारो, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो यार। बाकी हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर बॉय द सम्राट शुक्ला, ओवर एंड आउट। वैसे मैं आपको एक बात पूछती हूँ कि आप लोगों ने होली खेली है? क्योंकि मैंने तो खेली नहीं है, बस फोटोज पोस्ट करी है लेकिन मैंने तो खेली नहीं है। मैं भी होली खेल के भी मेरे को 4-5 साल हो गए भाई, मैंने होली नहीं खेली पता है यार। क्योंकि पहली बात तो मेरे पास कोई फ्रेंड्स नहीं है इनके साथ मैं होली खेल पाऊँ, और घर में खेल खेल के मेरे भाई बहन के साथ करूँगी क्या इतना, मतलब ऐसा ऐसा लगा नहीं हो गया। मैं होली खेलती थी बचपन में, मेरे सारे लाइक व्हाट वी कैन से मेरे गली के सारे फ्रेंड्स तो थे ना, छोटे छोटे हम सब थे, अभी सब वो लोग बड़े हो गए। क्या होली खेलते थे हम भाई साहब, वो उस गेट में मैं इस गेट में, वो पिचकारी लेकर वो बलून्स लेकर उनको मार दे मार, वो मजे मजे। मेरे को बहुत याद आते हैं, बहुत मजे आते थे मेरे को सच में यार। शायद वो बचपन के, वो होली के दिन बचपन के वापस आ जाए, मैं आई जस्ट मिस देम सो मच। और सम्राट की पाठशाला का ये जो वीडियो है ना, लड़कियों को कैसे कैसे नहला रहे थे यार तुम लोग, उसको इतना रंग ये पूरा, उसको पहचान में नहीं आ रही वो बंदी भाई यार। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो। इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।